नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 1, पेज नंबर 60। पेज नंबर ऑन पेज नंबर 60 वी विल लर्न एडिशन अप टू 20। हाँ, इसके पहले हमने कहाँ तक एडिशन पढ़ा था? नंबर अप टू 10 के बीच में जो भी एडिशन आते थे वो हमने लर्न किया था। तो वी हैव लर्न स्मॉल एडिशंस, हाँ, ऑलरेडी वी हैव लर्न स्मॉल एडिशंस। नाउ अप टू 20 वी विल लर्न, नाउ लेट्स लर्न मोर एडिशन। सो यहाँ पे आप लोग को बच्चों दिखाई पड़ रहा है, ये कौन सा पिक्चर दिखाई पड़ रहा है? कप्स का। सो वी विल स्टार्ट काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5। इट्स अ 5 कप्स प्लस 1, 2, 3, 4 मीन्स 5 प्लस 4 5, 6, 7, 8, 9 ये तो 5 है ही। अब उसके आगे हमको काउंट करना है 6, 7, 8, 9 इट मीन्स 5 प्लस 4 इक्वल्स 9। अब ये केटल्स है, हाउ मेनी केटल्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 केटल्स प्लस 1, 2, 3, 4, 5 केटल्स। नाउ स्टार्ट कंटिन्यू टू रीड हियर, कंटिन्यू टू काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केटल्स प्लस 5 मीन्स आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13 सो वी विल राइट हियर 13 केटल्स। ओके, दिस वे हियर हमने यहाँ पे 13 तक किया। अब हमको ये 1 10 से इट इज 10 ना 10 बंड यहाँ पे ये स्टिक ऑफ अ बंडल ऑफ अ 10 प्लस 3 यूनिट्स 10 प्लस 3 मीन्स 1 10s का मीनिंग कितना होता है 10 1 10 का क्या मीनिंग है 10 प्लस 3 यूनिट्स इट मीन्स व्हेन वी टेक टुगेदर ऑल ऑफ देम देन इट विल बी 13 10 1 2 3 10 11 12 13 इट मीन्स इट इज 13 लाइक दैट ओनली। यहाँ पे बीड्स का है, ठीक है, दिस इज 1 10 बीड 1 10 प्लस 3 यूनिट्स 1, 10, 11, 12, 13 ओके हियर 13 बीड्स आर देयर 13 प्लस 2 13 14 15 प्लस 2 है ना 13 ये था प्लस 2 ये एक्स्ट्रा है 13 प्लस 2 हाउ मच 15 तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अप टू देयर स्टोरी। वन डे यश वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक एट होम। एक दिन यश क्या कर रहा था? स्टोरी बुक रीडिंग कर रहा था। व्हेन हिज फादर केम होम, जब उसके फादर आए घर पे, ही सॉ यश रीडिंग अ बुक। उन्होंने क्या देखा कि यश क्या कर रहा है? बुक रीड कर रहा है। ही वॉज वेरी हैप्पी, उनको बहुत अच्छा लगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए। ही हग्ड हिम, उसको गले से लगाए। यश टोल्ड डैड I have already read all the 7 books. मैंने ऐसे ही 7 books read कर डाले। His father praised him and said, "Oh, nice, very good." उसके father ने उसको praise किया, बोला शाबाश, ऐसे करके उसको शाबाशी दी और कहा बहुत अच्छे, very good. Father was so pleased that he gave 4 more books to him. फादर को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसे और 4 बुक्स दे दिए। यश आल्सो बिकम वेरी हैप्पी, यश भी बहुत खुश हुआ। नाउ हाउ मेनी बुक्स डज यश हैव? अब देखो 7 बुक्स पहले ही उसने रीड किया था और फादर ने कितना दिया है बच्चों 4 मोर बुक्स। नाउ फाइंड क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स डिड यश हैव बिफोर? बिफोर कितना बुक्स था यश के पास? देखो यहाँ पे रीड किया ना आप लोगों ने कि यहाँ पे यश ने 7 बुक्स ऑलरेडी रीड किया है। हाँ, आई हैव ऑलरेडी रीड ऑल 7 बुक्स, यानी यश के पास 7 बुक्स था। हाउ मेनी बुक्स डिड यश हैव बिफोर? 7 बुक्स। ओके, हाउ मेनी बुक्स डिड फादर गिव टू यश एज अ गिफ्ट? एज अ गिफ्ट के रूप में फादर ने यश को कितना बुक्स दिया बच्चों? 4 मोर बुक्स गिवन ना टू यश बाय फादर। How many books does Yash have in total? Now 7 before tha and 4 he got as a gift. So 7 plus 4, 7 plus 4 yani kitna hota hai bachcho? 7 ke aage 4 count karo. 7 ke baad hum 4 fingers nikalenge aur count karenge. 8, 9, 10, 11. Huh? This way Yash is having now total 11 books. तो आप लोग को ये समझ में आ गया बच्चों कैसे हमने एडिशन किया? ठीक है, 7 या फिर आपको वैसे नहीं एडिशन आता तो 7 पहले हम क्या करेंगे?
सेवन लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 4, 1 2 3 4, दिस वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमने 7 प्लस 4 करके 11 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने आज ये एडिशन अप टू 20 भी कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, ये हमारा आज का ऑनलाइन क्लास यहीं तक था। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।